बॉस से झूठ बोलकर आईपीएल देखने गई महिला की खुल गई पोल। जैसे ही कैमरामैन ने किया फोकस, महिला के साथ हुआ मोए मोए। बॉस ने टीवी पर पकड़ा रंगे हाथ, वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। इस समय पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ आईपीएल का क्रेज चल रहा है। हर किसी को शाम का इंतजार रहता है क्योंकि शाम होते ही आईपीएल शुरू हो जाता है। हर कोई अपनी पसंदीदा टीम का मैच देखने का इंतजार करता रहता है। कुछ लोग तो मैच देखने के लिए सीधे स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ लोग महंगा टिकट खरीदते हैं और कुछ लोग अपने ऑफिस में झूठ बोलकर छुट्टी लेते हैं और फिर मैच देखने स्टेडियम पहुंच जाते हैं। ऐसा एक महिला ने किया और ऑफिस में झूठ बोलकर मैच देखने के लिए पहुंच गई, लेकिन बॉस के सामने उसकी पोल खुल गई। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल आरसीबी की एक फीमेल फैन नेहा द्विवेदी ने फैमिली इमरजेंसी की बात कहते हुए बॉस से जल्दी छुट्टी ले ली और सीधे मैच देखने स्टेडियम जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही लाइव मैच के दौरान कैमरा उस पर पड़ा तो घर में टीवी पर मैच देख रहे उसके बॉस को असलियत का पता चल गया और उसकी पोल खुल गई। बता दें कि नेहा द्विवेदी ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हुए पूरा वाकया बताया है। नेहा ने कैप्शन में लिखा कि मोए मोए दिन ब दिन असली होता जा रहा है। साथ ही कहा कि स्टेडियम में मैच देखते हुए बॉस ने टीवी पर देखा और मैसेज करके पूछताछ की। जब वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच देखने स्टेडियम गई थी तो उनके बॉस ने उन्हें टीवी पर देखा था। इसके बाद बॉस ने नेहा द्विवेदी से मैसेज कर पूछताछ भी की। बॉस ने मैसेज किया कि मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था, सिर्फ एक सेकंड के लिए ही तुम टीवी पर आई, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो कल जल्दी लॉग आउट करने का यही कारण था। बॉस कूल था इसलिए नेहा द्विवेदी को झूठ बोलने के बाद भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नेहा द्विवेदी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मोए मोए दिन ब दिन असली होता जा रहा है। शेयर किए जाने के बाद इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 4000 से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और बाकी सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। अब इस रियल लाइफ मोए मोए को लेकर अब क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स न्यूज़।